में, और ये मेंबर्स के लिए वीडियो है, लर्निंग एंड अर्निंग वाले जो मेंबर्स हैं। तो ये डिस्क्लेमर है दोस्तों, इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। मैं कोई सेबी रेसिडेंट नहीं हूँ, और ये जो वीडियो बना रहा हूँ अपना व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आइए, ये है तीन स्टॉक मैंने निकाले हैं जिनमें सेल साइड का ही ट्रेड लेना है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, और जो मैं बोल रहा हूँ वैसा ही कीजिएगा तो आपके प्रॉफिट होने के चांसेस 90% है, 90%। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो स्टॉक है वो है हेवल्स। हेवल्स में क्या करना है आपको, ये लेवल आपको ध्यान रखना है जो कि है 1300। कितना? 1300 का लेवल। 1300 के बिलो अगर आपको हेवल्स ट्रेड करता हुआ मिलता है, ठीक है, तो आपको करना है सेल। टारगेट आपका है 1275, बस पहला टारगेट, 1250 दूसरा टारगेट, प्रॉफिट बुक कर लेना। इन केस इसके नीचे निकलता है 1300 के नीचे, मान लीजिए आपने ट्रेड लिया 1296 पे लिया, 1295 पे लिया, तो वहीं से आपका 5 पॉइंट का ही एसएल हो जाता है या 6 पॉइंट का ही एसएल हो जाता है। शॉर्ट करिए, 1275 1250 आपको देखने को मिलना चाहिए। बहुत प्रबल संभावना है अगर हेवल्स में 1300 का लेवल ब्रेक होता है तो। अगला स्टॉक है ल्यूपिन। ल्यूपिन में क्या करना है आपको, ये लेवल नोट करके रखिए, ये है आपका, सॉरी लेवल निकलेगा आपका, कौन सा लेवल बताया मैंने, 867, इसके बिलो सेल करिए, इसके बिलो सेल करिए, टारगेट है आपका 840। ये इस वाली लाइन को नीचे की तरफ छूने आएगा, 845 840 की तरफ, और जब यहां से आप सेल मारेंगे तो आप लगा लेंगे एसएल अपना 872 का, ठीक है। समझिए, एक दो बार एसएल हिट होता है, साइड से निकल जाना है, बट इस ट्रेड को देखते रहना कि दोबारा कब 867 नीचे की तरफ टूटता है। दोबारा टूटे, दोबारा सेल करिए, 840 845 की तरफ प्रॉफिट बुक करिए। ये हो गया आपका लुपिन नेक्स्ट वीक के लिए। देन अगला जो स्टॉक एक और मैं लेके आया हूँ आपके लिए नेक्स्ट वीक के लिए ही, सॉरी लुपिन हो गया, हेवल्स हो गया, एक और था यार, एक मिनट गाइस, एक और था, वो था टाटा केमिकल, यस, टाटा केमिकल में भी आपको सेल साइड की ही पोजीशन बनानी है। ये है अपने सपोर्ट पे, बट आप लोग कॉल पुट करोगे, इसलिए मैं वाले ट्रेड बता रहा हूं। अगर ये सपोर्ट टूटे तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ये लेवल निकल के आ रहा है 865, नजर बना के रखिएगा टाटा केमिकल में, 865 इन केस ब्रेक होता है, ये लेवल अगर इन केस ब्रेक होता है, आपके जो टारगेट मिनिमम निकल के आ रहे हैं, इसमें अच्छा खासा ट्रेड बनना चाहिए। पहला 851 नोट कर लीजिए, पहला, दूसरा 840, तीसरा 825, मैं लिख भी देता हूं, 865 के नीचे सेल करेंगे, 850, 840 और 825, ये आपके टाटा केमिकल के टारगेट। और ये स्ट्रक्चर अगर ब्रेक हुआ ऑप्शन में तो यही आए, अदरवाइज और भी नीचे के टारगेट निकलेंगे, बट वो पोजिशन नहीं निकलेंगे, वो फिर ऐसे आएगा, ऐसे फिर एक ऊपर जाएगा, रीटेस्ट करेगा, फिर नीचे जाएगा, क्योंकि मैं इसको एक हेड एंड शोल्डर की तरह देख रहा हूँ।
ठीक है ये। बट अगर आप ये एक दो दिन के लिए ट्रेड मैंने बताया है वो यही, लेवल्स को देखिए, समझिए, पैटर्न को समझिए, नीचे की तरफ जो भी ये 20-15-20 पॉइंट स्विफ्ट मिलते हैं इनको ग्रैब करिए, प्रॉफिट बुक करिए। ऐसे अगर आप, मैं हर वीक में दो तीन स्टॉक आपको दूंगा हर वीक में, तो आप के अगर कितने मतलब कितने महीने हैं, लगभग लगा लीजिए आप 10 से 12 ट्रेड हो जाएंगे आपके, 10 से 12 ट्रेड आपके एक महीने में हो जाएंगे। इसमें 10 से 12 में आप 8 से 9, ये मैं मतलब बेकार परफॉर्मेंस के हिसाब से बोल रहा हूँ, 8 से 9 में आप प्रॉफिट साइड ही रहेंगे, अगर जो मैंने बोला है उसको आप उसी लेवल पे प्ले करते हैं। ठीक है, ये बहुत बेस्ट चीज होगी, आपको सीखने को भी मिलेगा, ट्रेड कैसे लेना है वो भी मिलेगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।